क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.11 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम लेटेस्ट एडिशन ऑफ आरडी शर्मा 2022। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन का सलूशन ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, इस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश ए पीस ऑफ एम्ब्रॉयडरी इन 4 डेज व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। While the time taken by one woman alone to finish the embroidery and that taken by one man alone। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 2 वुमेन एंड 5 मैन को लेता हूँ एक साथ तो वो काम को ख़त्म कर रहे हैं 4 डेज में। अगर मैं 3 वुमेन और 6 मैन को लेता हूँ तो वो पूरे काम को ख़त्म कर रहे हैं 3 डेज में। तो आपको बताना है कि अगर मैं एक सिंगल वुमेन लूँ और वो सिंगल पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगी, और वही एक मैन अगर वही काम लेता है तो कितने दिन में वो ख़त्म करेगा। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन आपको फाइंड आउट करना है कि कितने डेज आपको लगेंगे अगर एक सिंगल वुमेन अगर इस पूरे काम को कंप्लीट करे और एक सिंगल मैन इस काम को कंप्लीट करे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे टाइम टेकन बाय वन वुमेन एलोन टू फिनिश द वर्क। उसको आपने लेट कर लिया एक्स डेज। टाइम टेकन बाय वन मैन एलोन टू फिनिश द वर्क उसको हमने लेट कर लिया वाई डेज। अब एक वुमेन को काम खत्म करने में कितने डेज लग रहे हैं एक्स डेज। बट अगर मैं एक वुमेन को एक दिन में वो कितना काम करेगी वन बाय एक्स, और एक मैन को पूरे कितने टाइम लग रहा है वाई डेज। अगर एक मैन एक काम को ख़त्म कर रही है अगर एक दिन में तो कितना काम ख़त्म करेगी वन बाय वाई डेज, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यहाँ पर एक वुमेन पूरे काम को कम्प्लीट कर रही है एक्स डेज। बट अगर मैं एक दिन की बात करूँ तो एक्स या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड तो वन बाय एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर वाई डेज है तो उसको यूनिटरी बनाएंगे तो वन बाय वाई हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें तो 2 वुमेन्स एंड 5 मैन मिलकर कितना काम कर रहे हैं 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन बनेगी 2 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई बराबर है 1/4, क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड लगाया। एक्स डेज को मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। सपोज अगर एक पर्सन 4 डेज में एक काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/4 करेगा। वैसे यहाँ पर हमने निकाला कि अगर एक वुमेन अगर पूरे काम को कंप्लीट कर रही है एक्स डेज में तो एक दिन में कितना करेगा 1/x काम करेगी। और यहाँ पर आपके टोटल कितने वुमेन है 2 वुमेन, तो 2/x प्लस 5/y बराबर है 1/4। तो यूनिटरी मेथड बहुत सारे लगा कर हमने फर्स्ट इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड देखिए, 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 डेज में। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया 1/3 डे। तो ये बन गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके जो वेरिएबल है वो आपके क्या है फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रिडक्शन मेथड से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे 1/x को एक अनदर वेरिएबल a और 1/y को हमने ऐड कर लिया b। तो आपकी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी 2a प्लस 5b बराबर है 1/4 और 3a प्लस 6b बराबर है 1/3। तो इसको हमने मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 3 और इसको मार्क कर लिया इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और दोनों वेरिएबल में से एक कोएफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। तो मैं a वाले टर्म को सेम बना रहा हूँ, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 और इसका कितना है 2। तो इसको मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, जिसके बड़ा ए वाला कोफिशेंट सेम बन जाएगा और देन हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। तो आपकी टर्म बनेगी 3 2 6 ए प्लस 3 5 15 बराबर है 3/4, 2 3 6 ए 2 6 12 बी बराबर है 2/3। अब यहाँ पर आपके सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये टर्म होगी आपकी कैंसिल आउट, 15 में से 12 गए तो आपको बन गया 3 बी 3/4 माइनस 2/3।
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको बनेगा 4 × 12, 9 − 8 डेट इज इक्वल टू 1/12। 3 का मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड तो आपको बन गया 1/36। तो ये बन गया आपकी बी की वैल्यू। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो पुट इन थर्ड तो आपको बनेगा 2a + 5/36 इज इक्वल टू 1/4। 2a इज इक्वल टू 1/4 − 5/36, तो 2a इज इक्वल टू, नीचे आपका एलसीएम आ गया 36, यहाँ पर आ गया 9 − 4, 4/36, तो 2a इज इक्वल टू 1/9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। बट ये हमारे फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज a को हमने लेट किया था 1/x और b को हमने लेट किया था 1/y। तो यहाँ पर मैं a और b की वैल्यू को पुट करूँगा और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो a हमारा कितना है 1/18 बराबर है 1/x, तो x आपका कितना आ गया 18। 1/36 इज इक्वल टू 1/y, तो y आपका कितना आ गया 36। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, देर आर टू एग्जामिनेशन रूम ए एंड बी। इफ 10 कैंडिडेट सेंड फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे दोनों के रूम के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्स एंड वाई। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए, उसको आपने लेट कर लिया एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी, इसको आपने लेट कर लिया वाई। अब यहां पर आपको फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि अगर मैं 10 कैंडिडेट को मूव करता हूं फ्रॉम ए से बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम। सपोज एक्स हमारे स्टूडेंट्स है रूम ए में, अगर मैं इसमें से 10 स्टूडेंट्स को मूव करता हूँ तो इसमें से 10 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा x − 10। और यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ और बी में जा रहे हैं, तो मतलब वाई में 10 स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो आपका बन जाएगा y + 10। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इफ 10 कैंडिडेट्स आर सेंड फ्रॉम ए टू बी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम इज सेम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब माइनस 10 को रिमूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या बन गई, y + 20। तो इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर मैं 20 कैंडिडेट्स को सेंड करता हूँ बी से ए में, अब वाई में से 20 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ए में, तो वाई में से क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे और एक्स में 20 को ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कि वो कंडीशन क्या कह रहा है। इफ 20 कैंडिडेट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी इसके बराबर। अगर मैं 20 स्टूडेंट्स को मूव करता हूँ बी से ए में, तो देन आफ्टर गेटिंग 20 कैंडिडेट्स, जो आपके ए रूम में जो कैंडिडेट्स होंगे उसकी संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी एज कम्पेयर टू बी रूम। तो एक्स प्लस 20 किसके बराबर आ गया, 2 × y − 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2y − 40 बराबर है x + 20। प्लस 20 वहाँ गया माइनस, तो x बराबर हो गया 2y − 60। तो ये बन गया हमारी सेकेंड कंडीशन। अब मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू मैं पुट करूँगा इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपका बनेगा y + 20 बराबर है 2y − 60। प्लस वाई वहाँ जाके माइनस, −60 वहाँ जाके प्लस, तो 80 आपका किसके बराबर हो गया, y के। तो ये बन गया आपकी y की वैल्यू। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x आपका कितना आ गया 100। दैट मीन्स रूम ए में आपके 100 स्टूडेंट्स थे और रूम बी में आपके 80 स्टूडेंट्स थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट।
वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट ₹216 एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट ₹327. What is the basic first class full fare and what is the reservation charge? तो यहाँ पर हम let करेंगे let the cost of full fare ticket be rupees X. Let the cost of reservation charge rupees Y and the cost of half fare ticket. फुल फेयर टिकट के कितने प्राइस है एक्स, तो हाफ का क्या होगा रुपीज एक्स बाय टू. तो फर्स्ट कंडीशन समझते हैं. वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट ₹216. वो क्या कर रहा है, एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट करा रहा है फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद. तो फेयर कितना है एक्स और रिजर्वेशन चार्जेस भी कितना है वाई. तो मतलब एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा 216 के. तो ये बन गई इक्वेशन नंबर वन. सेकेंड कंडीशन देखिए, वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट 327. सबसे पहले उसने कराई वन फुल. वन फुल का क्या होगा, फुल फेयर टिकट और उसके साथ उसके रिजर्वेशन का चार्जेस प्लस वन हाफ रिजर्व टिकट. हाफ के चार्जेस क्या होंगे फेयर के एक्स बाय टू. बट यहाँ पर आपको कंडीशन बोली गई थी कि अगर आप हाफ टिकट भी कराओगे तब भी उसका रिजर्वेशन क्या लगेगा, पूरी फुल कॉस्ट लगेगी. तो उसकी आपकी रिजर्वेशन क्या होगी वाई होगी. और इन दोनों को मिला के उसको कितना पे करना पड़ गया रुपीज 327. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस एक्स बाय टू 3x बाय टू, वाई प्लस वाई 2y बराबर है 327. तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर टू. अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और y वाले के कोफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ. तो इस करके इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और इसको करूँगा 1 से. तो आपका बनेगा 2x प्लस 2y बराबर है 432, 3x by 2 प्लस 2y बराबर है 327. सेम साइन है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. तो ये टर्म आपकी होगी कैंसिल आउट, 2x माइनस 3 by 2x बराबर है 12 में से 7 गए 5, 2 में से 2 गए 0 और 1. इन दोनों को एलसीएम लोगे तो आपको बनेगा 4x माइनस 3x by 2 बराबर है 105. तो x आपका आ गया 210. इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो. तो मैं पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन इक्वेशन नंबर वन, तो x प्लस वाई बराबर है 216. तो 210 प्लस वाई बराबर है 216. तो y आपका आ गया 6. तो यहाँ पर आप लिखोगे कि उसका फुल फेयर टिकट कितना था रुपीज़ 210 और रिजर्वेशन चार्जेस कितने थे रुपीज़ 6. तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन. क्वेश्चन नंबर 12, ए शॉपकीपर सेल ए साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड ए स्वेटर एट 10% डिस्काउंट देयर बाय गेटिंग ए सम ऑफ रुपीज 1008. इफ सी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट एंड द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट सी वुड हैव गॉट रुपीज 1028. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी एंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द स्वेटर. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिलेशन समझाता हूँ कि क्या रिलेशन होता है हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट में, डिस्काउंट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में, तभी आपको एक क्वेश्चन समझ आएगा. तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. आपको पता है कि प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और CP कम होगा. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. 100 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 बराबर SP माइनस CP अपॉन CP. CP को यहाँ पर LCM को ब्रेक करो तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू SP अपॉन CP माइनस ऑफ 1
माइनस वन वहाँ जाके प्लस वन, तो वन प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सी पी इज इक्वल टू एस पी। तो ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को इक्वल रखूँ प्रॉफिट परसेंटेज और सी पी के बिहाफ पर, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको ड्राइव करवाता हूँ मार्क प्राइस और डिस्काउंट और एस पी का रिलेशन। आपको पता है कि डिस्काउंट कब मिलता है, जब हमारा मार्क प्राइस क्या होगा ज़्यादा होगा और एस पी क्या होगा कम होगा, तब हमें क्या होगा डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एम पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल टू, डिस्काउंट की जगह आप लिख सकते हो एम पी माइनस एस पी अपॉन एम पी। तो डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 1 माइनस एस पी अपॉन एम पी, ये टर्म या माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो एस पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, एम पी या डिवाइड है वहाँ जाके होल मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू एम पी। लिस्ट प्राइस बोलो या एम पी बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में एक ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं और इस फॉर्मूले को यूज़ करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अभी आपने इस फॉर्मूले को समझा कि हमने इसको कैसे ड्राइव किया, अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेट करेंगे कॉस प्राइस को एक्स और लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस को हम लेट करेंगे रुपीज वाई। अगर हम फर्स्ट कंडीशन को पढ़ें तो एक शॉपकीपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है साड़ी एट 8% प्रॉफिट एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट, देयर बाय गेटिंग ए सम ऑफ रुपीज 1008। तो टोटल एस पी आपको कितना दे रखा है 1008, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 8 अपॉन 100 और सी पी कितना है एक्स प्लस 1 माइनस डिस्काउंट कितना है 10%, तो 10 बाय 100 इंटू एम पी कितना है वाई। तो ये बन गया हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1008 x अपॉन 100 प्लस 90 अपॉन 100 इंटू वाई, 100 यहाँ पे दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हमने वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फर्स्ट कंडीशन बन गई 108x प्लस 90y बराबर है 100800। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन समझते हैं, इफ सी हैज सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट एंड द स्वेटर एट 8% डिस्काउंट, सी वुड हैव गोट रुपीज 1028। टोटल उसको सेलिंग कितना मिल रहा है 1028, कितने प्रॉफिट पे दे रहा है वो 10%, तो 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू एक्स प्लस डिस्काउंट कितना दे रहा है 8%, तो 1 माइनस 8 बाय 100 इंटू वाई। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1028 बराबर है 110 अपॉन 100x प्लस 92y अपॉन 100, दोनों के बेस सेम है तो 100 को हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 100x प्लस 92y बराबर है 1028 00। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और मैं वाई वाले कोफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 92 से और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 90 से, तो आपका बनेगा 9936x प्लस 8280y बराबर है 927360। 90 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 9900x प्लस 8280y बराबर है 9252000। अब दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, ये आपका बन गया 36x, यहाँ पर आके आपका 216000। 36 से मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो 216000 अपॉन 36, 66 36, 3600 600, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, तो आपका बनेगा 66000 प्लस 92y बराबर है 1028 00। ये टर्म यहाँ प्लस है और वहाँ जाके माइनस, तो 92y बराबर है 1028
डबल जीरो माइनस 6600 तो 92y बराबर है 36800 92 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो ये आपका किसे जाएगा 4 से, तो y आपका कितना आ गया 400। तो यहाँ पर आपने लेट किया था कि x हमारा क्या था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या निकल गया ₹600, और y हमारा था लिस्ट प्राइस, तो वो आपका क्या निकल गया 400। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 1 marks इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर व्हाइल हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। जयंती आंसर 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट करेंगे एवरी राइट आंसर को एक्स और एवरी रॉन्ग आंसर को वाई। तो लेट राइट आंसर को आपने लेट कर लिया एक्स और एवरी रॉन्ग आंसर को आपने लेट कर लिया वाई। फर्स्ट कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगी कि जयंती ने टोटल कितने आंसर किए क्वेश्चन 120, जिसमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं और सही भी, तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ गया 120 के। तो ये बन गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन आपकी यहां से बनेगी कि जयंती ने आंसर करे 120 क्वेश्चन और कितने मार्क्स लिए 90 मार्क्स। अब 90 मार्क्स कैसे बने होंगे कि उसको अवॉर्ड गया होगा राइट आंसर का और कुछ डिडक्ट हुए होंगे मार्क्स जब उसके लॉस हो गया होगा, तो डैट मीन्स एक्स माइनस 1/2y बराबर है 90। अब यहाँ पर आपके 1x आया और यहाँ पर 1/2 क्यों आया, बिकॉज 1 marks इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर पर उसको कितना अवॉर्ड होगा 1 marks, और एवरी रॉन्ग आंसर के लिए उसको कितना डिडक्ट होगा हाफ मार्क्स। तो और माइनस साइन आपका क्यों आया, बिकॉज आपका वो क्या हो रहा है डिडक्ट हो रहे हैं मार्क्स, तो जिस करके उसको टोटल मार्क्स कितने मिले 90 मार्क्स। तो ये बन गया आपकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो टेकिंग एलसीएम तो 2x माइनस y होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90, तो 2x माइनस y बराबर है 180। तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अगर यहाँ पर x प्लस y 120 है तो 2x माइनस y बराबर है 180, दोनों के साइन क्या है सेम विद अपोजिट साइन, तो दे आर कैंसिल आउट, तो 3x इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। इसको आप कहीं पर पुट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर पुट इन फर्स्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिखोगे पुट इन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 120 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 20। बट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि हाउ मैनी क्वेश्चन डिड सी आंसर करेक्टली, और राइट आंसर को हमने क्या लेट किया x, तो दैट मीन उसके 100 क्वेश्चन क्या थे ठीक थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे देयरफॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 3.11 के रिमेनिंग क्वेश्चन का इजी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जोड़ रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।